मुंगेली के पथरिया नगर पंचायत में आवास मामलों को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस सरकार पर लगाया गया है और इस आरोप को नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने लगाया है। पथरिया दौरे पर आए धरमलाल कौशिक का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों को पहली किस्त तो दे दी गई मगर दूसरी किस्त नहीं दी गई और पीएम आवास योजना से पैसा आ चुका है। प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कौशिक ने कहा कि मुझे लगता है कि इस मामले में भी भ्रष्टाचार किया गया है। कौशिक ने कहा कि अगर मामले में जल्दी राशि नहीं दी गई तो पार्टी आवाज उठाएगी और गरीबों को उनका हक दिलवाएगी। उसके बाद राशि लोगों को दी नहीं जा रही है, ऊपर से मुख्यमंत्री जो पट्टा जिनको मिला है उनके भी राशि अभी तक नहीं दी गई है और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा इस पर राजनीति की जा रही है कि हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, हम प्रधानमंत्री से बात करेंगे। कोरोना के बढ़